राधे राधे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आई हूँ आपके साथ बेसन की सब्जी लेकर, बेसन के गट्टे की सब्जी लेकर, पर एक डिफरेंट टाइप्स में। और अब हम शुरू करेंगे और आपको बताएंगे इसमें क्या क्या मटेरियल चाहिए। तो आप देख सकते हैं, हमें मसाले में चाहिए नमक और सब्जी मसाला, लाल मिर्च, अजवाइन, पिसा हुआ धनिया, अजवाइन और हल्दी। ये हमारे मसाले में चाहिए हमें। और हमें चाहिए बेसन, देख सकते हैं आप, ये मैंने बेसन लिया है राजधानी का। और हम कलर के लिए कश्मीरी मिर्च यूज करेंगे, जैसा कि मैं हर सब्जी में करती हूँ। कलर के लिए रेड चिली कम यूज करती हूँ। और यहाँ हमें चाहिए हरा धनिया, टमाटर, हरी मिर्च और प्याज। ये हमें इसकी बनाएंगे ग्रेवी। और गार्निश के लिए हमें धनिया चाहिए। अब हम बनाना शुरू करते हैं। बेसन में हमने नमक, मिर्च, हल्दी सब कुछ मिला लिया है। अब हम इसको घोलना शुरू करेंगे। देखिए दोस्तों, देख रहे हैं दोस्तों, ये मैंने ऑयल गरम कर लिया है। और ऑयल गरम करते ही मैंने इसको कढ़ाई में पूरे में घुमा दिया है, देख सकते हैं, जिससे ये हमारा घोल जो है कढ़ाई में चिपके ना बिल्कुल भी। और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन थोड़ी सी क्वांटिटी में लेंगे क्योंकि हमने घोलने में भी डाली है। और अब हम इस घोल को पूरे को इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको चलाते रहेंगे बस। अब हमारी हमने इसमें अजवाइन को ऐड कर दिया है। अजवाइन चटक रही है, देख सकते हैं आप। और अब हम इसमें, जैसे ही अजवाइन चटकेगी, हम इसमें डालेंगे एक पिंच हींग, जो कि बेसन की सब्जी में बहुत जरूरी होती है, पाचन रखती है ये। बेसन थोड़ा सा बादी होता है तो इसको पचा देती है। हाँ, ये हमने एक पिंच हींग डाल दी है इसके अंदर। हाँ, तो देख सकते हैं हींग और अजवाइन हमारी आराम से चटक रही है। देखिए, अब जैसे ही ये पकेगी, हम घोल को, बेसन के घोल को इसके अंदर ऐड करेंगे और कंटिन्यू चलाते रहेंगे। इसको छोड़ना नहीं है, अगर हम छोड़ देंगे तो इसमें गांठें बढ़ जाएंगी, इसलिए इसे धीमी आंच पे प्रॉपरली चलाते ही रहेंगे, चलाते ही रहेंगे, जब तक ये थिक कंसिस्टेंसी में ना बन जाए तब तक इसे हम चलाएंगे। देखिए दोस्तों, अब आप देख सकते हैं, अब हम इसमें घोल को ऐड करेंगे। ये हमने घोल को ऐड कर दिया है इसके अंदर। अब देखिए, अब हम इसको कंटिन्यू चला रहे हैं। ये देखिए, हम इसे जब तक चलाते रहेंगे जब तक ये पूरी कढ़ाई ना छोड़ दे, थिक ना हो जाए एकदम, क्योंकि हमें इसको जमाना है, हमें ऐसी कंसिस्टेंसी में लाना है जिससे ये जम सके पूरी तरीके से। तो हम इसको चलाते रहेंगे और जो हमने ऑयल इसको डाला है पकाने में, वो इसके अंदर ऑब्जर्व हो जाएगा, एकदम से मिक्स हो जाएगा पूरी तरीके से। देख रहे हैं दोस्तों, अब मेरे डो ने, देखिए ये डो बन चुका है पूरा और कढ़ाई छोड़ने लगा है। इसको हमने इतना चलाया है जल्दी जल्दी, जो कि ये थिक हो गया है, पूरी कंसिस्टेंसी थिक हो गई है। अब ये कढ़ाई में लगने लगा है, तो अभी हमारे बनने की स्थिति में कम्प्लीटली हो गया है। देखिए दोस्तों, अब मेरा पूरा ये थिक डो तैयार हो गया है। अब मैं इसको थाली पर ऑयल लगाऊंगी और इसके ऊपर इसको जमाऊंगी, कतली की तरह पूरे में फैला दूंगी, जिससे ये कतली की तरह जम जाएगा। देखिए दोस्तों कैसे हम इसको जमाएंगे इसके ऊपर। तो हम हाथ से पूरे हल्के हल्के हाथ से जो है इसको दबा दबा के पूरी थाली का आकार दे देंगे। दोस्तों देख सकते हैं, अब ये हमारा बैटर तैयार होकर के जम गया है पूरी तरह। अब हमने इनको, इसको कट करना शुरू किया है। देखिए देखिए, हम इसको कट कर रहे हैं।
और बहुत छोटा छोटा कट कर रहे हैं, क्योंकि इसको हमें शेप देना पनीर का, तो इसको हम शेप देंगे पनीर का। तो और कट करने के बाद फिर हम इसको फ्राई करेंगे, जैसे हम पनीर को फ्राई करते हैं हल्का हल्का, और उसके बाद हम ग्रेवी में ऐड करेंगे इसको। फ्रेंड्स आप खाएंगे तो आप बता नहीं पाएंगे कि ये आपने पनीर की सब्जी खाई है या आपने बेसन की कटली की सब्जी खाई है, आप बता ही नहीं सकते। इतनी इतनी महंगाई में पनीर रोज रोज कोई नहीं खा पाता है, और जब हम इसे बना के खिलाते हैं तो लोग सोचते हैं कि इतनी महंगाई में भी आपने पनीर बनाया है, वाह। तो यानी वो पहचान नहीं पा रहे हैं इसीलिए ना। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैंने पनीर के जो कटिंग की थी उसको मैंने तल लिया है, और तलने के बाद अब मैं सब्जी को बनाने जा रही हूँ। अब मैं तेल, मैंने 2 चम्मच तेल लिया है, और अब मैं डालूंगी अजवाइन, इसके साथ डालूंगी प्याज, भून लेंगे। देख सकते हैं दोस्तों हमारी प्याज थोड़ी सी ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर पेस्ट, टमाटर जो हमने पीसे हैं हम और इसको ऐड करेंगे, अदरक टमाटर हमने इसको पेस्ट को इसमें डाल दिया है। इसके अंदर अदरक भी है और टमाटर भी है, दोनों चीज को पीस लिया है। टमाटो प्यूरी मैंने इसमें डाल रही है और ये पक रही है। अब हम इसमें इसी स्टेज में अब हम करेंगे इसमें मसाले ऐड। अब हम डालेंगे हल्दी, मिर्च, थोड़ी सी मिर्च डालेंगे हम, पिसा हुआ धनिया 2 चम्मच, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, 2 चम्मच हम नमक डालेंगे क्योंकि हमने 1.5 चम्मच डाला है इसमें और 1/2 चम्मच हमने घोल में डाला था, ठीक है। और अगर टेस्ट में कम लगा तो हम दोबारा ऐड करेंगे उसकी क्वांटिटी देखकर। ये हमने डाला है सब्जी मसाला जो कि मैं हर ग्रेवी में डालती हूँ। अब हम इसको जब तक भूनेंगे जब तक ये कढ़ाई ना छोड़ दे, तेल बाहर ना दिखे तब तक। जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि मैंने ग्रेवी को भून लिया है और उसमें मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है, मैं जो कि मैं हर ग्रेवी हर सब्जी में करती हूँ, 1/2 धनिया मसाले में भूनती हूँ और 1/2 फिर मैं ऊपर से स्प्रिंकल करती हूँ, जिससे उसका जो खुशबू है वो मसालों के साथ ग्रेवी में अच्छे से आ जाती है, और जो ऊपर से गार्निश करते हैं उससे लुक अच्छा आता है। इसलिए मैं 1/2 धनिया हमेशा मसाले में भूनती हूँ। अब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी क्योंकि मेरा मसाला भुन चुका है। इसमें तेल इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि इसमें मैंने तेल 1 ही चम्मच डाला था और ये इसने ऑब्जर्व कर लिया है पूरी तरीके से। अब मैं इसमें डालूंगी पानी क्योंकि हमारा मसाला जो है वो कढ़ाई छोड़ चुका है पूरी तरीके से। देखिए दोस्तों अब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। हाँ जी, अब ये पानी मैंने जिसमें बेसन घोला था उसी परात को धो के मैंने इसमें पानी डाला है, और पानी हम इतना डालेंगे जितना हम अपनी ग्रेवी में पसंद करना चाहेंगे, और बिल्कुल उसी तरीके से बनेगी ये। अब हम इसमें मटर भी ऐड कर सकते हैं, अब अभी हम इसमें पनीर भी ऐड कर सकते हैं, इस ग्रेवी में हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मेन चीज ग्रेवी होती है जो कि मेरी बन चुकी है। अब इसमें हमें उबाल आने तक हम इसे पकने देंगे, जब इसमें उबाल आ जाएगा उसके बाद हम अपने बेसन के टुकड़े ये डालेंगे। फ्रेंड्स देख सकते हैं मेरी ग्रेवी प्रॉपर पक चुकी है, देख रहे हैं आप। अब मैं इसमें जो मैंने बेसन के गट्टे बनाए थे वो मैं इसमें डालूंगी, और ऊपर से
ग्रीन धनिया डालूंगी। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों अब आप देख सकते हैं मैंने इसमें अपने गट्टे भी डाल दिए हैं और हरा धनिया भी डाल दिया है। आप लोग देखिए दोस्तों पनीर गट्टे बना रही हूँ, पनीर के पीस बना रही हूँ, पनीर बना रही हूँ। फ्रेंड्स देख सकते हैं मैंने ग्रेवी में बेसन के कटलेट डाल दिए हैं और ऊपर से मैंने ग्रीन धनिया भी डाल दिया है। अब ये प्रॉपर हमें पनीर का लुक दे रहा है, ये हमें पनीर का लुक दे रहा है, आप देख सकते हैं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए इसको हम इसीलिए बोलते हैं कि